hello students <coughs> now today we complete our chapter okay uh, last time <coughs> we talk about human ear okay now today the topic is amplitude time period and frequency of a vibration वी हैव लर्न दट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन सो यहाँ पे डेफिनेशन है हमें याद रखनी होगी ओके okay. सो so, कोई भी मोशन है टू एंड फ्रो ठीक है डायरेक्शन में टू एंड फ्रो हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट है सो so, हमें उसे कहना है वाइब्रेशन टरी मोशन सो अगर आपको कहा जाए कि ओसिलेटरी मोशन क्या है तो आपको ये दोनों सेंटेंस है वो लिखने पड़ेंगे ठीक है सो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी यू हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन एंड इम पीरियड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कोल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अब मान लीजिए कि कोई वॉल क्लॉक है और उसका लोलक है तो मान लीजिए कि एक सेकंड में या एक मिनट में वो कितनी बार लेफ्ट से राइट बार है वो जाता है तो उसको बोलेंगे एक ऑसिलेशन ठीक है और जितने ऑसिलेशन हैं उस नंबर्स को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अब पता चल गया आपको दोनों में क्या डिफरेंस है ठीक है सो so, हमें यहाँ पे याद रखना होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज़ एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स देखिए फ्रीक्वेंसी का हर्ट है वो सॉरी फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट से जिसको कैपिटल एच और स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है ओके अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वन हर्ट्स इज वन ऑसिलेशन पर सेकंड हम कोई भी हर्ट्स अगर हम रिप्रेजेंट करें कैलकुलेट करें तो हमें पर सेकंड के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सेकंड में ट्वेंटी ऑसिलेट्स करता है ट्वेंटी टाइम्स तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो सिंपल हमें कह देना है कि ट्वेंटी हर्ट्स ठीक है जितने टाइम से उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी तो उसे हम यूनिट दे देंगे हर्ट्स यू कैन रिकोगनाइज़ मैनी फेमिलियर साउंडस विदाउट सींग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग दैम सो हमें ये भी पता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हम उसको देख भी नहीं सकते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है तो हम कहेंगे कि हम अगर उसे रिप्रेजेंट करने तो हम एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे हमें कोई भी है तो हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं तो ठीक है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है तो हमें ये ड्रॉ करना होगा और उनके बेसिस पे हम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है वो लर्न कर सकते हैं अब यहाँ पे है लाउडनेस एंड पिच ठीक है लाउडनेस एंड पिच क्या है अब मान लीजिए मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि आपने घर पे टीवी है वो ऑन किया है और आप थोड़ी देर के लिए बहुत सारा वॉल्यूम है वो कर देते हैं तो क्या होता है हमें बहुत सारा सुनाई देता है तो उसकी लाउडनेस और ज्यादा बढ़ गई अब आप टीवी का वॉल्यूम है वो स्लो कर रहे हैं स्लो कर दिया तो उसकी लाउडनेस कम हो गई तो ये जो हाई और लो का जो रेशिया है उसको बोलेंगे जो रेशियो है उसको बोलेंगे लाउडनेस ठीक है टेक अ मेटालिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून अब यहाँ पे आपको क्या करना है मैं डायरेक्टली आपको बताऊं कि यहाँ पे कोई टम्बलर या कोई एक ग्लास ले लीजिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक थर्मोकोल का बोल है वो हम इसे टच करेंगे और वाइब्रेट होगा तो क्या हमें उसकी आवाज़ सुनाई देगी साउंड सुनाई देगा नहीं सुनाई देगा अब मान लीजिए कि उसकी जगह उसकी जगह हम स्पून रखते हैं तो क्या होता है तो स्पून के साथ अगर वो हम स्ट्राइक करेंगे तो हमें आवाज़ है वो सुनाई देगी वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा ठीक है तो उसके मास पे भी डिपेंड है कि हमें जो आवाज़ सुनाई देती है उसका मास है वो कैसा होना चाहिए अब यहाँ पे है लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रपोजनल टू द स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड अब देखिए लाउडनेस है उसका जो सो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी साउंड की साउंड uh, है जिसमें हम मेजर करते हैं उसका जो यूनिट होता है वो है डे सीबल होता है सो so, हमें यहाँ पे याद रखना है कि डेसिबल है वो एक यूनिट है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डेसिबल की जो वॉइस है उसकी वैल्यू है तो वो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है और हाँ अगर यहाँ पे हमें याद रखना है कि मान लीजिए कि अगर डेसिबल की जो फ्रिक्वेंसी है वो एटी के अप हो गई तो हमें फिजिकली पेन हो सकता है नॉइस से नॉइस पोल्यूशन बढ़ सकता है ठीक है सो हमें इसकी बात इसी बात का ध्यान रखना चाहिए अब यहाँ पे कि मान लीजिए कि कोई एक बॉयज़ की आवाज़ है एक गर्ल्स की आवाज़ है तो हम उसमें डिफरेंस कैसे करेंगे तो डिफरेंस हम कर सकते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं सेलनेस और पिच उसके हिसाब से अब ये सरेलनेस और पीच क्या है मान लीजिए देखिए ये ड्रम है और ये जो वो है वो ड्रम है वो बजा रहा है ठीक है तो ये जो आपको दिख रही है उसको बोलेंगे सरेलनेस और पीच भी बोल सकते हैं। हम पीच याद रखेंगे कि हमने ड्रम बजा रहे हैं लेकिन वो बहुत देर तक हम नहीं बजा रहे हैं। ठीक है चलिए अब पहले हम कंपेयर कर दें मान लीजिए एक ड्रम हम बजा रहे हैं और एक विशल है वो बजा रहे हैं तो विसल से क्या होगा कि विसल की जो पीच होगी वो बहुत ही लार्ज होगी मीन्स uh, uh, बहुत ही लॉन्ग होगी हमें पता है कि हम विसल कैसे बजा रहे हैं तो क्या होगा कि उसकी पीछ है वो लॉन्ग होगी इसकी पीछ है वो बहुत ही लो होगी हमें ये नहीं देखना है कि किसका वॉइस से ज़्यादा लाउडर है हमें यह देखना है कि कौन किसकी आवाज है वो कितनी लॉन्ग है उसकी उसी तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी पीच है वो लॉन्ग है या शॉर्ट है ठीक है सो हमें यहाँ पे याद रखना होगा कि इसकी जो ड्रम है उसकी पिच लो है और विसल की है उसकी पिच ज्यादा है फिर यहाँ पे है हम ड्रम का जो एग्जाम्पल है वो हम लायन से कंपेयर कर सकते हैं कि लायन जब रोर करेगा ठीक है तब उसकी पिच भी क्या होगी लो होगी क्यों लो होगी क्योंकि हमें उसके साउंड पे नहीं जाना चाहिए कि लायन है वो कैसे रोर करता है मतलब कितनी देर तक रोर करता है जब वो रोरिंग करेगा तो कितनी देर तक करेगा टेन सेकंड फिफ्टीन सेकंड ठीक है मैक्सिमम ट्वेंटी सेकंड तो फिर उसकी आवाज़ वो बंद हो जाएगी तो उसकी पिच अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कितनी होगी बहुत ही कम होगी तो <coughs> उसकी पिच भी क्या होगी लो होगी सो इसलिए आप सभी की पीच है वो ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ के हिसाब से कोई बर्ड्स से तो उसके जो <coughs> पंख है तो वो भी वाइब्रेट हो रहे हो रहे होते हैं तो हम कोई भी ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे ठीक है अब एक और है ऑडिबल एंड इन ऑडिबल साउंडस अब ये क्या है कि मान लीजिए कि हमें कौन सी आवाज़ है वो कौन सी साउंड है वो सुनाई दे रही होगी कि ट्वेंटी से ट्वेंटी थाउजेंड हर्स तक अब देखिए अगर सभी जो कोई भी वॉइस है तो वो हमें बीच में नहीं सुनाई दे रहे होते मतलब मान लीजिए कि अर्थ क्विक है वो आ रहा है ठीक है तो अर्थक्वेक है तो उसके जो वाइब्रेशन होते हैं वो डायरेक्टली हमें सुने देते हैं उससे पहले एनिमल्स को सुने देते हैं तो हमें वो डायरेक्टली क्यों नहीं सुने देते हैं <coughs> बाद में क्यों सुने दे रहे थे, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है या तो वीस हर्ट से कम होती है या वीस थाउजेंड हर्ट से ज़्यादा होती है ठीक है तो हम जो है ह्यूमन वो ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स तक बीच का कुछ भी सुन सकते हैं। ट्वेंटी हर्ट्स के नीचे का होगा तो भी हम नहीं देख सकते ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स के ऊपर की कोई फ्रिक्वेंसी की तो भी हम सुन नहीं सकते ठीक है सो <coughs> so, ये हमें याद रखना है कि ऑडियोबल एंड नो इन ऑडियोबल साउंड किसे कहते हैं हमें सिर्फ रेंज याद रखनी है ठीक है ट्वेंटी से लेके ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स सो so, अब हमारे पास है नॉइज एंड म्यूजिक नॉइज एंड म्यूजिक क्या है कि जो हमें अच्छा लगता है उसे कहते हैं म्यूजिक और जो हमारे ईयर को हमारे कान को जो अच्छा नहीं लगता है उसे कहेंगे नॉइस अब हमें अब पता होना चाहिए कि हमें कौन सा साउंड अच्छा लगता है अगर हम कोई सॉन्ग बजा रहे हैं कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं सो आ, स्लो साउंड है तो हमें मज़ा आ रहा होगा तो हम उसे म्यूज़िक कह है सकते हैं अब मान लीजिए कि हम बाहर जा रहे हैं और काफ़ी कुछ व्हीकल है वो उसमें होने कंटिन्यूसली चालू है बाहर फैक्ट्री या स्टार्ट है तो उसकी आवाज़ है तो हम क्या करेंगे हम मैंटली हमें अच्छा नहीं लगेगा तो उसे क्या कहेंगे नॉइस ठीक है क्योंकि वो अनप्लीजेंट साउंड होता है So, हमें यह भी याद रखना है कि ये अनप्लीजेंट जो साउंड है उसे क्या कहेंगे नोइस क्लासरूम में होते हैं तो स्टूडेंट एक साथ सब बात कर रहे होते हैं तो वो भी क्या है नोइस है ठीक है अब एक और है म्यूजिकल साउंड तो म्यूजिकल साउंड क्या है कि हमें अच्छा सुने देता है हमें मज़ा आता है हारमोनियम है सितार है ठीक है तो वो सभी में क्या है कि हमें उसकी आवाज़ अच्छी लगती है सो so, इसलिए उसको बोलेंगे म्यूजिकल साउंड्स सो ये डिफरेंस है अब नॉइस पोल्यूशन क्या है कि यू ऑलरेडी नो दैट द एयर पोल्यूशन अब मान लीजिए एयर पोल्यूशन तो हमें पता ही है लेकिन साथ साथ जो एनवायरमेंट में जो अनवांटेड साउंड्स होते हैं उसे क्या कहेंगे नॉइस पोल्यूशन अब व्हीकल्स की आवाज़ होती है एक्सप्लोजन होते हैं इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ वर्क क्रेकर्स हम फायर क्रेकर दिवाली के उसमें भी नॉइस पोल्यूशन करते हैं मशीनरी होती है लाउड स्पीकर होते हैं तो इन सभी में नॉइस पोल्यूशन है वो सभी में एप्लीकेबल है ठीक है सभी में नॉइस पोल्यूशन हो ही रहा होता है तो हमें नॉइस पोल्यूशन से बचना चाहिए ठीक है ज़्यादातर ज़्यादा हमें दूर रहना चाहिए ठीक है और अगर मान लीजिए कि आप दूर नहीं रह पा रहे हैं आप कंटिन्यू नॉइस पोल्यूशन के बीच है तो आपको क्या क्या हो सकता है तो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कौन कौन सी लेक ऑफ स्लिप आपको रात को नींद नहीं आएगी ठीक है हाइपर आपका टेंशन बढ़ जाएगा हाई ब्लड प्रेशर बी बन बढ़ जाएगा आपको चिंता होने लगेगी आपकी हेल्थ में कुछ भी चेंजेस है वो आ सकते हैं ठीक है सो so, हमें ध्यान रखना चाहिए नॉइज़ पोल्यूशन से बचते रहना चाहिए सो so, ये हमें याद रखना है ठीक है अब है मेज़र्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन अब हम कैसे मेज़र करेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन की लिमिट कितनी है तो हमें क्या करना होगा कि उसके लिए हमें अपनी तरीके से सभी में चेंजेस करने होंगे हम जहाँ पे रहते हैं तो हमें वैसा एरिया पसंद करना चाहिए कि जहाँ आसपास है कोई फैक्ट्री नहीं होगी ठीक है इंडस्ट्री कोई नहीं होगी कोई ऑटो मोबाइल हॉन्स कोई मोबाइल हॉन्स नहीं होंगे और द मेन पॉइंट है कि ट्रीज है वो हमें लगाने चाहिए ट्रीज से क्या होता है कि वॉइस से साउंड है वो वहाँ पे एप्सो हो जाती है और हमें उनसे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होती है वो हमें नहीं होती है सो so, ये सभी जो बातें हैं वो हमें नोइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं हाँ हमें आ, जो व्हीकल्स होते हैं मशीन्स होती है तो उसमें क्या करना चाहिए हमें साइलेंस डिवाइस का यूज़ करना चाहिए यानी जब हम ऑटो में हमें पता है कि हम सी का यूज़ करते हैं इस तरह से सभी में हमें साइलेंसिंग वाले जो डिवाइस है उसका यूज़ करना चाहिए सो so, ये था हमारा चैप्टर ठीक है हमने क्या क्या लर्न किया वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं ठीक है इसकी पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी भेज दी है तो आप लोग ये चैप्टर एक बार फिर से देख लीजिए ठीक है नेक्स्ट टाइम हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओके थैंक यू